हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश, आप देख रहे हैं सतीश यादव चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आपने पोस्टर में भी देखा, आज आपके लिए लड़की ढूंढी जाएगी शादी.com पे। कैसे हम अपने शादी.com में अकाउंट बनाएं फ्री में और कैसे अपने लिए पार्टनर ढूंढे अपना, तो आज इस वीडियो में यही बात करेंगे हम। तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ, तभी आप समझ पाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि शादी.com में कैसे अपना अकाउंट बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है शादी.com। शादी.com आप सर्च कर देंगे, आपको सेकंड ऑप्शन में यहां दिखाई दे रहा होगा शादी.com, www.शादी.com। आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं एक न्यू पेज ओपन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे शादी.com की साइट खुल चुकी है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे रजिस्टर फ्री, आप इसमें फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा इस रजिस्टर करने का। सबसे पहले आप अपनी ईमेल आईडी डाल देंगे, जो भी आपकी ईमेल आईडी हो। उसके बाद पासवर्ड आपको सेट करना है, ना कि अपना ईमेल आईडी वाली पासवर्ड डालनी है, आपको कोई भी पासवर्ड बनाना है यहाँ पर आपको। उसके बाद प्रोफाइल, आप जैसे अपने लिए भर रहे हैं या किसी के लिए, सन के लिए या डॉटर के लिए या ब्रदर के लिए, किसी के लिए भी भर रहे हैं, आप उसका रिलेशन बताएंगे। अगर अपने लिए भर रहे हैं तो आप सेल्फ कर देंगे। उसके बाद आप नाम डालेंगे और लास्ट नाम डालेंगे, जेंडर डालेंगे मेल या फीमेल। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन यानी आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी आपके जो आपके रिलीजन है आप वो फिल कर देंगे। उसके बाद आपकी अपनी मदर टंग डालनी है, आपको कौन सी लैंग्वेज, आपकी कौन सी लैंग्वेज है तो आप वो डाल देंगे। उसके बाद आप कहाँ से रहने वाले हैं आप वो डालेंगे, इंडिया से या कहीं भी। अगर बाहर के रहने वाले हैं तो आप इसमें से अपनी कंट्री चूज करके आप डाल सकते हैं। तो हम इंडिया से रहने वाले हैं तो हम इंडिया ही रहने देंगे। तो मैं सबसे पहले ये डिटेल भर लेता हूँ। मैंने अपनी सारी डिटेल फिल कर ली है। आप उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। लेट्स क्रिएट योर प्रोफाइल नाउ, सिटी यू लिव इन, अभी आप कहां रह रहे हैं आप वहां लिख देंगे। जैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूं, यू लिव विद योर फैमिली, आप अपने फैमिली के साथ रहते हैं तो यस कर दें। अगर आपने पहले कभी मैरिड, आप अगर शादीशुदा हैं, आप डिवोर्स हो चुका है तो आप इस पर डिवोर्स पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है अभी तक तो आप नेवर मैरिड पर रहने दीजिए। उसके बाद आपके डाइट पूछी गई है, आप वेज हैं, नॉन वेज हैं या जो भी हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हाइट पूछी गई है आपकी, जो भी आपकी हाइट है आप अपनी हाइट फिट कर सकते हैं इसमें। कोई बात नहीं, अगर आप इस पर साइट बनाते हैं आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं इसको। अब आपकी क्वालिफिकेशन पूछी गई है, आपने कितनी क्वालिफिकेशन कर रखी है आप इसमें सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप अपना नंबर डालकर ओटीपी, आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसको सबमिट करके आप वेरीफाई करके आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आप यहां पर अपनी फोटो लगा सकते हैं, देख सकते हैं फोटो लगाने का तरीका। आपको अपने फेस की फोटो लगानी है जैसे 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 यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर रॉन्ग फोटो जैसे यहाँ पर दे रखी है, आप जैसे यहाँ बताया गया है आप वैसे ही अपनी फोटो लगा लेंगे। आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फोटोज आपके सामने खुल जाएंगे। जो भी आपने अपनी कार्ड दी थी उसी कार्ड से आपके सामने कुछ फोटोज आ जाएंगी, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आप कनेक्ट विद सिलेक्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर कनेक्ट करते हैं तो इन सभी के पास आपकी डिटेल चली जाएंगी। मैं अब शादी.com पर लॉगिन हो चुका हूं, मेरी प्रॉपरली आईडी बन चुकी है शादी.com पर। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको ये जो भी शादी.com की साइट है आपको अच्छी नहीं लगती है, तो आप
अपना अकाउंट इससे डिलीट भी कर सकते हैं, तो मैं डिलीट करना बता देता हूं। मैं ये डैशबोर्ड में हूं, जो प्रोफाइल दिखाई देगी, उसके बाद आप माय प्रोफाइल में जाएंगे। जैसे आप माय प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको यहां पर लास्ट में दिखाई देगा डिलीट प्रोफाइल, आप डिलीट प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे। तो ऐसे आप अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। सो गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।